स्वाति मारीवाल मारपीट मामले में 30,000 अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। विभव कुमार के वकील ऋषिकेश कुमार ने बताया कि पुलिस ने 7 दिनों की रिमांड मांगने के लिए आवेदन दायर किया था, जिसमें से 5 दिनों की रिमांड दी गई है। 23 मई को उन्हें फिर से पेश किया जाएगा। इस दौरान उन्हें अपने वकील से मिलने की अनुमति दी गई थी। जांच और उसके परिवार के सदस्यों को भी यदि चिकित्सा आधार पर किसी दवा की आवश्यकता होगी तो वह प्रदान की जाएगी। इससे पहले दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और आप सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में शनिवार को दिल्ली पुलिस ने सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया। शनिवार दोपहर के समय विभव को मुख्यमंत्री आवास से हिरासत कर लिया गया था। शाम होते होते पुलिस ने पूछताछ के बाद उनको औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया। विभव को दिल्ली पुलिस ने 30,000 कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट से विभव की 7 दिन की हिरासत की मांग की गई थी। पहले अदालत ने हिरासत पर फैसला सुरक्षित रखा था, लेकिन देर रात जारी कर दिया। दिल्ली पुलिस ने अदालत में विभव कुमार पर सीएम आवास पर सबूत नष्ट करने का प्रयास करने का आरोप लगाया। पुलिस ने अदालत से कहा कि हमले के कारणों के बारे में पूछताछ के लिए विभव कुमार की हिरासत जरूरी है। वहीं विभव कुमार के वकील ने अदालत को बताया कि वह खुद सीएम आवास पर गई थी, उन्होंने किसी को भी यात्रा का उद्देश्य नहीं बताया था। दिल्ली पुलिस तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। पुलिस ने कोर्ट में कहा कि विभव ने अपने आईफोन 15 को फॉर्मेट कर दिया है, यानी डाटा उड़ा दिया है। कल मुंबई में फोन को फॉर्मेट किया गया। वही विभव के वकील राजीव मोहन ने कहा, अगर वाकई शरीर में दर्द होता तो फिर इस मामले पर राजनीति करने व मीडिया में बयानबाजी नहीं होती। वकील ने आरोप लगाया कि स्वाति इस मामले पर सियासत कर रही है। दोपहर के समय सिविल लाइंस थाने के बाहर खूब हल्ला गुल्ला हुआ। विभव के वकीलों ने पुलिस पर उनसे न मिलने देने के आरोप लगाए। बाद में विभव की ओर से 30,000 कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की गई, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। पुलिस रविवार को उनको अदालत या मजिस्ट्रेट के घर पर पेश कर पुलिस रिमांड मांग सकती है। इससे पूर्व अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त के नेतृत्व में एक टीम मुख्यमंत्री आवास पर जांच के लिए पहुंची। सूत्रों का कहना है कि पुलिस सीएम आवास के सीसीटीवी फुटेज के कब्जे में लेने के लिए पहुंची थी। वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों से भी पूछताछ की गई। घटनाक्रम के बीच शनिवार सुबह सीएम आवास पर स्वाति मालीवाल का एक और वीडियो सामने आया, जिसमें सीएम आवास पर तैनात महिला सुरक्षा कर्मी स्वाति का हाथ पकड़कर उनको घर से लेकर आते हुए दिख रहे हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से वीडियो सामने आने के बाद कहा गया कि वीडियो में स्वाति ठीक ठाक दिख रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।